अनुग्रह वाणी सुनने वाले मेरे सभी भाई बहनों को जय यीशु की। आज हम फिर से प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें। आज विशेष रीति से हम मनुष्य के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है, इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। हम लोग रोजाना प्रभु ने सिखाई हुई हे पिता प्रार्थना बोलते रहते हैं। इस प्रार्थना में हम लोग कहते हैं, हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी हुई हो। प्रभु की स्वर्ग में इच्छा क्या है, इस पर हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करें। हम इसाईस नबी का ग्रंथ अध्याय 6 में पढ़ते हैं कि राजा उज्जिया के देहांत के समय इसाईस नबी ने ऊपर की ओर देखा। जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा, उसने स्वर्ग का दृश्य देखा और प्रभु के वस्त्र का पल्ला धरती को छू रहा था और सेराफीम उड़कर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। अब हम लोग वाक्य 3 में पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 विश्व मंडल का प्रभु पवित्र है, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ईश्वर पवित्र है और स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत उसकी स्तुति करते हैं। अब हम लोग यदि लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ेंगे, फिर से वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु येसु का जन्म हुआ, उस समय की स्वर्गदूत जो है गढ़ेगियों को दिखाई दिए और स्वर्गदूतों का एक समूह गीत गा रहा था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर ईश्वर की स्तुति करते रहते हैं। जब प्रभु येसु इस धरती पर आया, तब स्वर्गदूत भी इस धरती पर आए और इस धरती पर आकर कि प्रभु की स्तुति करने लगे, कहने लगे, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। अब प्रभु चाहता है कि हर एक इंसान भी इस धरती पर रहते समय निरंतर प्रभु की स्तुति करें। यदि हम तेसलोनियों का पहला पत्र उसका अध्याय 5 उसकी पद संख्या 16, 17, 18 में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है मनुष्य के लिए ईश्वर की इच्छा क्या है। मनुष्यों के लिए ईश्वर की इच्छा यह है कि हम लोग हर समय प्रसन्न रहें और हम लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें और सब बातों के लिए धन्यवाद देते रहें। पर हम लोग देखते हैं आज दुनिया में जिस किसको भी आप देखें, हमें यही देखने मिलता है कि हर इंसान दुखी है, परेशान है, उदास है, निराश है, बंधनों में पड़ा हुआ है। हम हर समय प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? और प्रभु हमें एक बहुत बड़ा रहस्य सिखाता है कि प्रसन्न रहने का।
जो व्यक्ति निरंतर प्रभु की स्तुति करता है वो जो है कि हमेशा प्रसन्न रहता है। जो इंसान इस दुनिया के माया मोह में फंसा हुआ है, दुनिया के बातों में फंसा हुआ है, वो निरंतर दुखी रहता है। क्योंकि हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, योहन का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 और 16 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। प्रभु हमें सिखाता है कि तुम ना तो संसार से प्यार करो ना ही संसार के वस्तुओं से, क्योंकि इसमें ईश्वर का प्यार नहीं है। संसार में शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है। जब इंसान इस दुनिया के माया मोह में फंस जाता है, कितना भी करता है वो कभी प्रसन्न नहीं होता है। हमेशा अधिक से अधिक पाना चाहता है और निराश होता है और दुखी रहता है। इसलिए प्रभु आज प्रभु के वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि यदि इंसान हर समय प्रसन्न रहना चाहता है तो उसको निरंतर प्रभु की स्तुति करना चाहिए। स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत प्रभु की स्तुति करते हैं। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आया, स्वर्गदूत इस धरती पर आए और प्रभु की स्तुति करने लगे और हम सबों को कि प्रभु और प्रभु के स्वर्गदूत सिखाते हैं कि हमें निरंतर स्तुति करने की आवश्यकता है। हम लोग यदि स्रोत 34:1-4 उसका पद पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि किस तरह से हमें हर समय प्रभु की स्तुति करने की आवश्यकता है। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है, दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए, मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ और मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जो व्यक्ति हर समय प्रभु को धन्य कहता है, जो व्यक्ति हर समय प्रभु का गीत गाता है, जो व्यक्ति हर समय प्रभु की स्तुति करता है, वो एक तरह का अनोखा आनंद और स्तुति और धन्यवाद करते रहते समय वो खुशियां का अनुभव अपने जीवन में करता रहता है। इसलिए प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु की इच्छा यह है कि हम हर समय प्रसन्न रहें। और दूसरी बात प्रभु हमें सिखाता है, हम निरंतर प्रार्थना करें। प्रार्थना क्या है? प्रभु की इच्छा पूरी करना। प्रभु की इच्छा पूरी करना ही प्रार्थना है। प्रार्थना ये नहीं है केवल हम ये गीत गाएं, प्रार्थना ये नहीं है कि हम केवल माला विनती बोलें या वचन पढ़ें। प्रार्थना यह है कि प्रभु की इच्छा पूरी करना। इसलिए प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए गए और वहां पर उसने पिता से कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और तीसरी बात प्रभु का वचन में कहता है कि हमें हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी बात घटती है कि वो हमारे अच्छाई के लिए। अनेक बार हम सोचते हैं कि इन बातों के द्वारा हमारी बुराई हुई है, पर प्रभु कभी भी हमारी बुराई होने नहीं देता है, बल्कि प्रभु हर बात के द्वारा हमें उन्नति देता है, आशीर्वाद देता है। उदाहरण के लिए, एक माँ जब अपने बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है तो बच्चे को लगता है मम्मी ने अच्छा नहीं किया, पर बाद में बड़ा होने के बाद बच्चे को पता चलता है यदि मम्मी कड़वी दवाई नहीं पिलाती तो मेरे पेट में कीड़े हो जाते
अब मैं स्वस्थ नहीं रहता। जब पापा बच्चे को स्कूल जाने के लिए जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती स्कूल भेजता है, छोटे बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, पर बड़ा होने के बाद वो महसूस करता है यदि पिता मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करता और जबरदस्ती मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेजता तो मैं अभी भी अनपढ़ रहता और मेरे जीवन में मैं कभी सफल नहीं होता। अनेक लोग इस तरह से सोचते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आता है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, तकलीफ आता है, विरोध आता है, तो इंसान सोचता है मेरे साथ बुरा हो गया है। पर प्रभु हमारे साथ बुरा होने नहीं देता है, क्योंकि जो कुछ प्रभु हमारे जीवन में होने देता है वो हमारे भलाई के लिए है। इसलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इसलिए हम निरंतर प्रभु को धन्यवाद देते रहें। यदि हम इब्रानियों का पत्र उसका अध्याय 13 उसकी पद संख्या 15 में यदि हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, हम ईसा के द्वारा ईश्वर की स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का बल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। यहां पर प्रभु दो शब्द बताता है, इन शब्दों को हमें समझने की जरूरत है। पहला शब्द है स्तुति का बलिदान और दूसरा शब्द है होंठों का फल। ये होंठों का फल क्या है हमें जानने की जरूरत है। हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में सुनते हैं, प्रभु कहता है, तूने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, आओ मैंने तुम्हें चुना आओ नियुक्त किया है ताकि तुम बहुताई से फल उत्पन्न करो जो फल सदा बना रहे। हर इंसान का लक्ष्य फल उत्पन्न करना है। हम लोग जानते हैं यदि हमारे बगीचे में हम एक पेड़ लगाते हैं, हम हर समय जाके फल ढूंढते हैं। यदि वो पेड़ फल नहीं पाता है वो पेड़ बेकार है, वो काटा जाता है। उसी तरह से प्रभु भी कहता है हर इंसान को इस दुनिया में फल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और जब हम फल उत्पन्न करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होता है। अब यहां पर बताया गया है कि हमें होंठों का फल उत्पन्न करना है। ये होंठों का फल क्या है? ये होंठों का फल स्तुति है। हमें निरंतर प्रभु की स्तुति करने की आवश्यकता है। हमारे पंजाबी भाई बहन एक सुंदर गीत गाते हैं, वो कहते हैं, यीशु जी मैनू बरकत दे, मुंह मेरा सदा तेरी महिमा करें। यानी हमारा मुंह सदा ईश्वर की महिमा करने के लिए है, ईश्वर की स्तुति करने के लिए है, गाली देने के लिए नहीं है, झूठ बोलने के लिए नहीं है, चुगली करने के लिए नहीं है। ये होंठों का पल नहीं है। होंठों का पल ईश्वर की महिमा करना और ईश्वर की स्तुति करना है। ये पल हमें उत्पन्न करना है, ये प्रभु की इच्छा है। दूसरा शब्द बताता है स्तुति का बलिदान। स्तुति का बलिदान का अर्थ क्या है? हम हर एक व्यक्ति कहते हैं जब मुझे मन लगेगा तब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मुझे मन नहीं लगेगा तब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। यह नहीं होता है कि इंसान को हर समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जैसे एक मछली के लिए पानी ही जीवन है, उसी तरह से एक इंसान के लिए प्रार्थना ही, स्तुति ही जीवन बनना चाहिए। उसको 24 घंटे प्रभु की स्तुति करने की आवश्यकता है। स्तुति करने का मतलब है प्रभु की इच्छा पूरी करना। केवल होंठों से ये गीत गाना नहीं है बल्कि पूरा जीवन ही प्रभु के लिए एक बलिदान, प्रभु के लिए स्तुति का बलिदान बनना चाहिए।
कभी कभी हमें मन नहीं लगता है कि हम उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, दुखी रहते हैं, उस समय स्तुति करने का और उस समय जो है प्रार्थना करने का मन नहीं लगता है, कि प्रभु का वचन कहता है उस समय भी हमें स्तुति करना है। स्तुति का बलिदान का अर्थ यही है, जब नहीं चाहते हैं तब भी हमें स्तुति करने की आवश्यकता है। जब नहीं चाहते हैं उस समय यदि हम स्तुति नहीं करेंगे तो क्या होता है? उदाहरण के लिए, जब हम बीमार हो जाते हैं हमें खाना अच्छा नहीं लगता है। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? आओ कमजोर हो जाएंगे, आओ बीमार हो जाएंगे। उसी तरह से जब हमें अच्छा नहीं लगता है उस समय यदि हम प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे, हम प्रभु की महिमा से वंचित हो जाएंगे और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगी। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें निरंतर प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु कहता है और प्रभु चाहता है। और स्तुति हम लोगों के लिए एक हथियार है, शैतान को हराने का हथियार। यदि हम लोग याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम ईश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो। हम शैतान का सामना कैसे करें? शैतान का सामना करने का तरीका है ईश्वर की स्तुति। जब हम ईश्वर को हमारे जीवन में ऊपर उठाएंगे, शैतान भाग जाएगा। जब हम हमारे जीवन में ईश्वर को विजयमान बना देंगे, शैतान हमारे जीवन में हार जाएगा और दूर भाग जाएगा। शैतान को हराने का एकमात्र हथियार है कि प्रभु की स्तुति करना, क्योंकि शैतान चाहता था कि वो अपनी सिंहासन प्रभु के सिंहासन से ऊपर उठा दें। हम इसाईस नबी के ग्रंथ अध्याय 14 में पढ़ते हैं कि वो चाह रहा था कि उसका सिंहासन प्रभु के सिंहासन से ऊपर उठा दें, पर उसको नीचे पटक दिया गया था। और वो अभी भी चाहता है कि लोग उसकी स्तुति करें। वो प्रभु यीशु के पास भी आता है और प्रभु यीशु को भी कहता है, यदि तुम मेरी स्तुति करोगे, यदि तुम मेरी आराधना करोगे, ये पूरा संसार मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु यीशु कहता है, हट जा शैतान। और हमें भी शैतान को हमारे जीवन से दूर भगाने का साधन है स्तुति। इसलिए आप लोगों ने करिश्माई प्रार्थना में देखा होगा, जहां पर करिश्माई प्रार्थना होती है और जहां पर जो जोर से स्तुति होती है, उस समय उनके मध्य में यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है, वो गिरने लगते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, वो लौटने लगते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैं जल रहा हूं। यानी शैतान को भगाने का एक सुंदर तरीका है स्तुति। आज बहुत सारे लोग शैतान से डरते हैं, पर प्रभु ने हमें एक हथियार दिया है, उस हथियार को भूल जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके पास एक ऐसा हथियार है कि आप शैतान को हरा सकते हैं। इसलिए शैतान को हराने के लिए आप इस हथियार को अपना लें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि स्तुति करने से क्या होता है? यदि आप स्रोत 103 लें और 103 स्रोत को पढ़ें, उस स्रोत में हम लोग पढ़ते हैं कि विशेष रीति से वाक्य 3 से यदि आप लोग पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु उनके पापों को क्षमा करता है। प्रभु हमें यह भी बताता है कि जो व्यक्ति प्रभु की स्तुति करता है कि उसकी सारी दुर्बलताएं यानी बीमारी प्रभु दूर करता है। यदि वाक्य 4 में पढ़ेंगे कि प्रभु हमें बताता है जो व्यक्ति स्तुति करता है, उस व्यक्ति पर प्रभु दया और अनुकंपा करता है। और
चौथी बात प्रभु कहता है कि जो व्यक्ति स्तुति करता है उसके जीवन भर में सुख शांति प्रभु प्रदान करता है। और पांचवी बात प्रभु हमें बताता है कि जो व्यक्ति स्तुति करता है उसका जीवन प्रभु गरुड़ के समान चिरजीवी बनाता है। आपने गरुड़ को देखा हो ना हो, यदि आप कभी इंटरनेट में देखें आओ, यदि सफेद गरुड़ के बारे में देखें, ये गरुड़ की जिंदगी करीब 40 साल होती है और 40 साल के उम्र में ये गरुड़ बुढ़ा हो जाता है और बुढ़ा होने के बाद मरने मरने होता है और ऐसे समय पर एक पहाड़ में जाके बैठता है और वहां पर जाकर बैठकर वो क्या करता है, उसके पुराने नकुन जो शिकार पकड़ नहीं सकते हैं उसको खींच के निकलता है और उसके पर जो है बहुत वजनदार होने के कारण वो उठ नहीं पाता है और इसलिए ये के खींच के निकाल देता है और अंत में उसकी चोंच पत्थर को मार मार कर वो निकाल देता है और धीरे से फिर से उसके नए नक्कुन आ जाते हैं, फिर से नए पर आने लगते हैं और नई चोंच आने लगती है और वो फिर से चिरजीवी बनकर जवान बनकर उठने लगता है। और जो व्यक्ति प्रभु की स्तुति करता है वैसा ही होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग बना हो, प्रभु का वचन कहता है वो चिरजीवी बन जाता है। अब इसलिए हमें प्रभु की निरंतर स्तुति करने की आवश्यकता है। और छठी बात प्रभु कहता है जो स्तुति करता है प्रभु न्याय पूर्वक उसके ऊपर शासन करता है, उसके साथ कोई भी अन्याय होने नहीं देता है, प्रभु उसको संभालता है। और सातवीं बात प्रभु कहता है जो प्रभु की स्तुति करता है कि प्रभु पद दलितों का पक्ष लेता है। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा साथ कोई नहीं है, मेरा साथ कौन देगा, मेरे साथ क्या होगा, इस तरह की बहुत सारी चिंता लेकर इंसान रहता है। मैं गरीब हूं, मैं परेशान हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसी चिंताएं हमारे मन में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइबल में प्रभु बार बार कहता है चिंता मत करो, डरो मत। बाइबल में करीब 366 बार प्रभु हमें ये कहता है चिंता मत करो, डरो मत। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्रभु ईश्वर जो निरंतर स्तुति करता है उसके जीवन में स्रोत 103 कहता है सात बात करता है। पहली बात, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। दूसरी बात, वो हमें चंगाई प्रदान करता है। तीसरी बात, वो हम पर दया और अनुकंपा करता है। चौथी बात, वो हमारे जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है। पांचवी बात, वो हमारे जीवन गरुड़ के समान चिरजीवी बनाता है। और छठी बात, वो हमारे साथ न्याय पूर्वक शासन करता है। और सातवीं बात, वो पद दलितों का पक्ष लेता है और हमें कभी नीचे दबने नहीं देता है, ऊपर उठाता है। इसलिए हमें हमारी जिंदगी में निरंतर प्रभु की स्तुति करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि हम लोगों को भी हमारे जीवन में निरंतर प्रभु की स्तुति करना है। इसलिए जैसे हम लोगों ने सुना कि थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र उसका अध्याय 5 उसके पद संख्या 16, 17 और 18 में प्रभु हमें तीन बातें बताता है, हर समय प्रसन्न रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहो। इसलिए आइए आज हम लोग विशेष रीति से प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं।
इस वक्त हम लोग विशेष रीत से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हर समय प्रार्थना करना सिखा दें। हम इस वक्त प्रार्थना करें, हमारा होंठों का पल निरंतर प्रभु को चढ़ाएं, हम निरंतर स्तुति का बलिदान प्रभु को चढ़ाएं। स्तुति का बलिदान का अर्थ है जब नहीं चाहते हैं उस समय भी हम लोग प्रार्थना करें। आइए बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़ें, आंख बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना करें। ये प्रभु यीशु, आपने समारी स्त्री को एक रहस्य प्रकट किया था। जो व्यक्ति सच्चाई और आत्मा से प्रभु की स्तुति करता है, ऐसे आराधकों को प्रभु चाहता है। ये प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर कि हम सच्चाई और आत्मा से आपकी स्तुति कर सकें। हम निरंतर हमारे ओंठों का फल तुझे चढ़ा सकें और स्तुति का बलिदान तुझे अर्पित कर सकें। हम नहीं चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, उस समय भी स्तुति करते रहें। हमारा जीवन ही तेरे लिए एक स्तुति और महिमा का कारण बन जाए। यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। तेरा यीशुआ तेरा।